फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज है योगा डे। आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ सुबह सुबह साबूदाने के वड़े, वो भी योगा डे के दिन। तो मैं क्यों बना रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखिएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे व्लॉग पर पहली बार आते हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेड वाले बटन को प्रेस करके, और बेल बटन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा मेरे लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बॉयल आलू लिया है और अपने साबूदाने को लिया है, और इसमें मैंने नमक, मिर्च और थोड़ा सा खटाई पाउडर डाला है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से स्वीट कॉर्न डालूंगी। आप चाहें तो आप मूंगफली के दाने, हरी पत्ती और मटर के दाने भी डाल सकते हैं। फिर मैंने छोटे छोटे कटलेट बना करके इनको रख लिया है। अब मैंने यहाँ कढ़ाई गर्म कर ली है और अब मैं इसको एक एक दो दो करके, जितने भी आपको तेल आपने डाला है उस हिसाब से आप यहाँ पे साबूदाने के वड़े फ्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साबूदाने के वड़े फ्राई कर रही हूँ। और मैं सच बताऊँ, मुझे ये साबूदाने के पकौड़े या वड़े, जो भी आप बोलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हरी चटनी के साथ तो क्या कहना। तो बस आज मेरा मन हुआ बनाने का, तो मैंने इसको बना लिया है। और मैंने साथ ही यहाँ पे अदरक वाली चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि बारिश का टाइम है। ऐसे में तो अदरक वाली चाय, वाह भाई वाह, साथ में साबूदाने के वड़े। तो बस मैंने यहाँ अपनी चाय और साबूदाने के वड़े बना करके रख लिए हैं। चलिए जल्दी से अब नाश्ता कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट में साबूदाने के वड़े बनाए थे। आज है इंटरनेशनल योगा डे, और मैंने वड़े क्यों बनाए थे तो मैं आपको बता दूं कि कल मेरा था फास्ट, और मैंने उसमें बनाया था साबूदाने की तहरी। एक मिनट, मैं ये थोड़ा सा विंडो बंद कर दूँ क्योंकि यहाँ से आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो कल मैंने बनाया था साबूदाने के वड़े, मैंने कल बनाया था साबूदाने की तहरी, यानी कि साबूदाने की खिचड़ी। तो क्या हुआ कि वो थोड़ा ज़्यादा साबूदाना भीग गया था, तो मैंने सोचा चलो ये वेस्ट तो करेंगे नहीं, बचा के रख देती हूँ और फिर इसकी मैं आज सुबह पकौड़े बना लूँगी, मतलब कि साबूदाने के वड़े बना लूँगी। क्योंकि मुझे साबूदाने के वड़ी, मतलब वड़े जो होते हैं, पकौड़ियाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने आज हरी धनिया की चटनी, तीखी वाली चटनी, साथ में साबूदाने के वड़े बनाए और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, वो मैंने आज बनाया और खाया। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ी सी उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। वैसे मैंने इसकी रेसिपी डाली अपने चैनल पर, मतलब साबूदाने के वड़े की। तो अगर आपने नहीं देखा, एक मिनट, पीहू ने ना गाने चला दिए हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, एक मिनट। तो वो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। और मैंने इसकी ना रेसिपी, मतलब साबूदाने के वड़े बनाने की रेसिपी अपने चैनल पर डाली भी है, एक अप्पम स्टाइल में बनाने की डाली है, ऑयल फ्री वाली। तो आप चाहें वो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। बिल्कुल ज़रा सा ऑयल लगता है और बहुत ही अच्छे वड़े बन जाते हैं, मतलब पकौड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप लोग चाहें तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो बस अभी इतना ही अपडेट है, और अभी बस हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया है। चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।
हे गाइस, तो अभी मैंने अपने फेस पे ये मास्क लगाया है, चारकोल मास्क है। अभी मैंने ये फेस पैक लगाया है, ये काफ़ी अच्छा है और मैंने इसका रिव्यू भी अपने चैनल पे डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपके फेस की एकदम गंदगी जो है वो अच्छे से पील हो जाती है, हट जाती है, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी क्लीन हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा फेस पैक है, आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो अभी मेरा ये फेस पैक थोड़ा ड्राई होगा तो मैं थोड़ी देर से आपको मिलती हूँ। और हाँ, इसको मैं हफ्ते में 2 बार ज़रूर अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। बाकी मैं DIY फेस पैक यूज़ करती हूँ। तो राइट नाउ अभी मैं अगर मार्केट वाला कोई भी फेस मास्क या पैक यूज़ कर रही हूँ तो वो यही है, गुड वाइब्स का चारकोल का फेस मास्क है। और बस फिर मैं थोड़ा देर ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश किया, उसके बाद एक कुरियर आया है। तो ये है फर्स्ट क्राई से, जो कि मैंने कुछ पीहू के लिए ऑर्डर किया था। फर्स्ट क्राई में बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीहू के लिए एक रेन कोट और एक टी शर्ट, मतलब टॉप ऑर्डर किया था। तो ये वही है, और चलिए देखते हैं ओपन करके ये कैसा है। तो फिर मैं इसको ओपन करके फिर आपसे बताती हूँ कि इसका रिव्यू कैसा है और क्या है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेबी हग का और टॉप है, और बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग में आता है, जिप लॉक बैग में आता है। ये देखिए, ये येलो कलर का टॉप मैंने पीहू के लिए ऑर्डर किया था, और इसका स्टफ़ जो है ये बहुत ही अच्छा है, मतलब जो इसका कपड़ा है बहुत ही अच्छा है। बट मुझे ये कुछ साइज़ में बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको जब पीहू आएगी तो मैं इसको नापूंगी साइज़, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। और ये है पीहू के लिए रेन कोट, जो कि बहुत ही सुंदर पिंक कलर का है, और इसमें बारबी एंड डिज्नी का ये है। ये भी बेबी हक का ही है। और तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है और बारबी का है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसका जो ये बटन है ना, ये इसमें बटन में कुछ प्रॉब्लम ये कर रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। तो देखती हूँ, मैं बात करती हूँ फर्स्ट क्राई में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग का लंच हो गया है और बस अभी हम लोग आ गए हैं अपने बेडरूम में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस हम लोग अभी लेटे हैं, और क्या था, कल रात में मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, तो मेरी नींद भी नहीं पूरी है, तो हो सकता है मैं भी आज थोड़ी देर रेस्ट करते करते थोड़ा सो जाऊं। और बस फिर अभी मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, और बस फिर आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बाय कर दो। सो फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है और अभी पीहू सो के उठी है। टाइम हो रहा है शाम का 5:30, तो अब पीहू को भूख लग गई है। तो मैं यहाँ पीहू के लिए बना रही हूँ ओट्स, दूध वाले ओट्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दूध और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके गैस पे रख दिया है, और ये भगोना वही है जिसकी जो कि इसमें दूध मैंने उबाला था। तो मैंने सोचा इसमें दूध किनारे किनारे लगा हुआ है तो वो भी यूज़ हो जाएगा, और मैंने इसमें 1 चम्मच शुगर डाल दी है, और मैं अब इसको अच्छे से उबाल लूँगी। जब ये उबल जाएगा तब फिर मैं उसमें ओट्स मिला दूँगी। ओट्स बच्चों के लिए इवनिंग का स्नैक्स बहुत ही अच्छा है, आप इसको कई फ्लेवर में दे सकते हैं। अगर बच्चा आप नमकीन पसंद करता है तो आप बच्चे को नमकीन ओट्स बना सकते हैं, मीठा पसंद करता है तो मीठा, और चीला दे सकते हैं तो आप चीला भी दे सकते हैं। जैसे भी पसंद हो आप उस तरह से बच्चे को ओट्स दे सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और बहुत ही अच्छा है। तो बस मेरा यहाँ पर ओट्स बन गया है, और अब मैं इसको ढक करके 5 मिनट के लिए रख दूँगी, और फिर मैं इसे बाउल में निकाल करके पीहू को खिला करके फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी मैंने पीहू के लिए ओट्स बनाया था, तो अभी पीहू ने ओट्स खा लिया है, और अब बस मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। अभी तक का ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अच्छा लगता है आप लोग के लाइक देख करके। तो आज मैं आपसे सोच रही हूँ बात करूँगी, क्योंकि आज है योगा डे, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूँगी, मतलब कि योगा डे के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, योगा डे या इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2015 में स्टार्ट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अथक प्रयासों के बाद में यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित कर दिया था। तो
इसका उद्देश्य है लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, मतलब कि लोग करें और अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट जरूर निकाला करें अपने लिए योगा करने के लिए, जो कि मोदी जी ने ये आरम्भ किया है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर फॉलो किया करें। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग नीचे आए हैं वॉक करने के लिए। जैसा कि आपको पता ही है, शाम को हम लोग डेली वॉक करने आते हैं। तो आज मौसम बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि आज यहाँ बारिश नहीं हुई है, तो काफ़ी गर्म मौसम हो गया है। और मैंने ऊपर डिनर की तैयारी कर दी है, सब्जी बना के आई हूँ, आटा लगा के रख दिया है, मतलब गूंथ के लगा रख दिया है। और बस फिर मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ी देर आपसे बातें कर लेती हूँ। हम लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, पीहू और मैं, तो कुछ कुछ पीहू के साथ मैं खेल रही हूँ। और बस, और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, आप लोग के वहाँ का वेदर कैसा है, इस समय बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। और ये पीछे पीहू आ रही है, पीहू से हाय। तो चलिए ठीक है, फिर अब मैं ये ब्लॉग यहीं पे फिनिश करती हूँ, ब्लॉग यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ। फिर आपको मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।